एक ऐसा फूड जो कि बहुत ज्यादा वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है और आप इसको खाते भी रोज हैं, लेकिन फिर क्यों वेट लॉस नहीं होता है? क्योंकि आप गलत तरीके से खाते हैं। इसका क्या तरीका है खाने का जिससे आपका वेट लॉस सही तरीके से और जल्दी से हो, और इसके क्या क्या बेनिफिट है, किस तरीके से वेट लॉस करता है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वो फूड कौन सा है और बाद में उसका तरीका क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो आप सब लोग बेताब होंगे कि वो कौन सा फूड है जो जल्दी से आपका वेट लॉस कर सके, हेल्थ बेनिफिट आपको दे सके। तो देर ना करते हुए बता देती हूँ कि वो फूड है गार्लिक, लहसुन। आप डेली खाते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके से खाते हैं गार्लिक और क्यों आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, वो मैं बताती हूँ। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपका खाने का तरीका क्या है, ताकि और लोगों को पता चल सके कि जिस तरीके से आप खा रहे हैं, हो सकता है उसके बेनिफिट आपको पूरे तरीके से ना मिल पा रहे हो। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, वेट लॉस से लेके कैंसर तक की बीमारियों को ये ठीक करता है, और ये एंशियंट समय से यूज होता रहा। आज इसको यूज करना शुरू नहीं किया गया है, जब गीजा पिरामिड आज से 5000 साल पहले बिल्ड हुए थे तब से यूज में होना शुरू हो गया था दुनिया में। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेटस, जो बहुत बड़े फिजिशियन थे, उन्होंने इसको प्रमोट किया था एज ए मेडिसिन यूज करने के लिए, और उन्होंने बताया था कि अगर आपको रेस्पिरेटरी डिजीज है, मतलब सांस से संबंधित कोई भी बीमारी है, उसमें अस्थमा हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग डिजीज हो सकते हैं, या पुअर डाइजेशन है, पैरासाइट्स की समस्या जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, या आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड समस्या है, दिल से संबंधित बीमारियां, पेट से रिलेटेड बीमारियां है, तो उन्होंने प्रमोट किया था कि इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और अगर हम एज ए मेडिसिन इसका यूज करते हैं तो इसका बहुत फायदे मिलने वाले हैं। तो तब से पूरी दुनिया में इसको यूज करते आ रहे हैं। एंशियंट ग्रीस में तो जो ओलंपिक के एथलीट थे, उन्होंने इसको बताया था कि ये एक परफॉर्मेंस एनहेंसिंग एजेंट का काम भी करता है। जब उन्होंने लिया तो उनको परफॉर्मेंस अपनी ज़्यादा बेहतर लगी, तो उन्होंने उसको ये नाम दे दिया। अब पूरी दुनिया में इसका शोर शराबा हो गया कि भाई इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है तो उसको यूज़ करना चाहिए। अब लोग इसको यूज़ करने लगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है अपने दूसरे चैनल देसी इलाज पे, कि अगर लहसुन की दो कली आप सुबह उठते ही खाते हो ना ताजे पानी के साथ, तो यकीन के साथ आपका दिल भी स्वस्थ रहेगा। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उनके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपकी आर्टरीज अच्छी रहेगी, लचीली रहेगी, मुलायम रहेगी, और हाँ, आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको बाहर निकाल देगा ये लहसुन, सिर्फ दो कली काम कर जाएगी। अच्छा, अब बात करने वाले हैं यहाँ पे कि वही वेट लॉस कैसे करता है, कैसे हम खाएं। हम तो डेली इसको पका कर खाते हैं अच्छे से। हम क्या करते हैं, इतना सारा लहसुन लेते हैं और उसको अच्छे से भूनते हैं, तलते हैं, तब आप सब्जी में डाल के खा रहे हैं, तब भी हमारा वेट लॉस नहीं, हमारा तो और वेट बढ़ता ही जा रहा है। तो आप एक काम कर रहे हैं, इसके अंदर एक घटक पाया जाता है, कंपोनेंट पाया जाता है, वो है एलिसिन। सबसे पहले जैसे आप लहसुन की कली देख रहे हैं, इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है एलीन, जिसको बोलते हैं, और एक कंपोनेंट होता है एलिनेज, लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं। अब आपने क्या किया, इस लहसुन को आपने छीलना शुरू किया। आप ऐसे छीलेंगे, अब मैं छील के क्यों दिखा रही हूँ, इस ये प्रोसेस तो लंबा हो जाएगा। छीलने के बाद क्या करते हो, आप इसको कूटते हो, क्रश करते हो, या फिर आप इसको काटते हो। उसके बाद जब इसको क्रश किया या आपने कूट लिया, जैसे ही इसका कूटने का प्रोसेस शुरू हुआ, तो वो एलिनेज के साथ एलीन दो मिक्स हो जाता है, अब बनता है एक कंपाउंड एलिसिन। अब ये ही जो कंपाउंड एलिसिन बना है ना, ये उन बीमारियों को खत्म करता है जो आपकी बॉडी में पड़ी हुई है, आपकी एजिंग को कम करता है, स्किन आपकी चमकने लगेगी, जो रिंकल झुरी आपको दिख रही है ना समय से पहले, वो भी भाग जाएंगी। दूसरा, ऑक्सीडेटिव लेस इफेक्ट आपकी बॉडी में लाता है। कहने का मीनिंग ये है, जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में शुरू हो गए जिनकी वजह से कैंसर बनता है, उन फ्री रेडिकल्स को ये खत्म करता है अगर आप लहसुन खाते हैं। किस तरीके से, अगर कच्चा ही खाते हैं, पकाना नहीं, जैसे मैंने बोला ना आपने क्रश किया या कूटा इसको, आपको बस वैसे ही अपने मुंह में डालना है, कच्चा ही खाना है, क्योंकि एलीन एलिनेज के साथ मिलके एलिसिन बन गया। अब अगर आपने आंच पे इसको डाल दिया, पका दिया, तो वो एलिसिन खत्म हो जाता है, इसलिए कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। अब ये वेट लॉस में कैसे फायदा करेगा एलिसिन,
और जो आपने बता दी कि बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं, ऑक्सीडेटिव इफेक्ट जो हमारी बॉडी पे होता है वो कम होने लगता है, अगर आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन है, सूजन है, पेन है, जॉइंट्स पेन है, उसमें ये रामबाण काम करता है। अब वेट लॉस में ऐसे काम करता है कि ये एपेटाइट को सप्रेस करता है, इसको एपेटाइट सप्रेसेंट एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो आपकी भूख कम हो जाएगी, दूसरी चीज की थर्मोजेनिक इफेक्ट पैदा करता है बॉडी में। जैसे ही थर्मोजेनिक इफेक्ट पैदा होता है हमारी बॉडी में, जो कि एक्सरसाइज के दौरान पैदा होता है, जब आपने देखा कि आप स्वेट करने लगते हो, अगर आप स्वेट कर रहे हो तो तभी तो जो आपका फैट पड़ा हुआ है उसको बॉडी एनर्जी के रूप में लेने लगती है, वहां से एनर्जी, उसको हीट करके वहां से एनर्जी ले लेती है कि भाई बॉडी की मेहनत बहुत लग रही है, बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब तभी बॉडी गर्म होती है। जैसे हमने देखा आपको फीवर हो गया तो आपको पसीने आने लगता है, फीवर में भी थर्मोजेनिक इफेक्ट हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, तभी आपको कमजोरी लगती है। जब आपको 3 दिन के लिए बुखार आया, खाना आपसे खाया नहीं गया, 3 दिन के बाद जब आप उठ के चलते हो ना तो आपको कमजोरी महसूस होती है। आप फेस जाके मिरर में देखो, आपको अपना फेस भी पतला लगने लगता है, वो थर्मोजेनिक इफेक्ट आपकी बॉडी में उस टाइम पे क्रिएट होता है। तो ये थर्मोजेनिक इफेक्ट पैदा करता है। अब ये मत समझना कि कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी तब होती है जैसे बीमारी के दौरान हम खा पी नहीं पाते। अब इसको तो आपको सुबह लेना है, सुबह आपने ले लिया, बाकी टाइम में आप नॉर्मल अपना जो भी आपकी खाने पीने का रूटीन है वो आप फॉलो कर ही रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, और आप देखेंगे कि भूख तो कम हो ही रही है, साथ में थर्मोजेनिक इफेक्ट यानी फैट पिघलाने की जो क्षमता है बॉडी की वो बढ़ रही है इसको लेने से, तो ये काम करता है। और दूसरा कि आंतों को साफ करता है, यानी पेट में अगर गैस बनती है, कब्ज रहती है, तो अगर 1 से 2 कली आप लहसुन की डेली सेवन करते हैं तो आपका पेट भी साफ रहने लग जाएगा, गैस भी ऑटोमेटिक निकलनी शुरू हो जाएगा। अगर गैस नहीं निकलती है, पेट इतना बड़ा हो जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और तीसरी चीज, आपकी क्रेविंग्स को शांत करता है, लेप्टिन हार्मोन को बैलेंस करता है आपकी बॉडी में। आपने देखा होगा कि जब आप सोते नहीं हो, ठीक से आप सोए नहीं हो, आप किसी चिंता में हो, स्ट्रेस में हो, तो लेप्टिन हार्मोन आपका इनबैलेंस होने की वजह से आपको क्रेविंग्स होती है। आपका पेट भरा हुआ है फिर भी कुछ खाने का मन हो रहा है, आपका मन कर रहा है कुछ खा लूँ, अच्छा सा कुछ खाने का मन हो रहा है, रसोई में बार बार जाते हो, तो इसको लेने के बाद ऐसा नहीं होगा। तो इसको लेना शुरू करिए, और जैसे कि मैंने बताया 2 कली लहसुन की आपको लेनी है, सुबह उठते ही इसको छीलना है, पहले फ्रेश होने चाहिए, कोई एक्सरसाइज वगैरह जो करनी हो करिए, फिर सबसे पहले 2 कली लहसुन की लेनी है। आप इसको अच्छे से छील करके कूटना है, जैसे आप अदरक कूटते हो, उसके साथ आपको 2 से 3 काली मिर्च ले ली, उसको भी इसके साथ क्रश कर लेना है। 1 चम्मच इसमें डालना है कोकोनट ऑयल, अच्छे से मिक्स करिए, अपनी चम्मच में ले लीजिए। अब आप कहेंगे काली मिर्च क्यों डाली, काली मिर्च इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है लहसुन की, मतलब जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज है तो वो बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होंगी और आपकी बॉडी को लगेंगी। कोकोनट ऑयल क्यों मिलाया गया है, क्योंकि अगर इसकी एसिडिक प्रकृति है, किसी किसी को एसिड बनने लगता है, तो कोकोनट ऑयल उसको बैलेंस कर देता है, जैसे पित्त को बैलेंस करता है कफ, तो कोकोनट ऑयल में हल्का सा कफ होता है जो कि बैलेंस कर देता है वात पित्त, यानी कि कफ, सारी चीज़ें बैलेंस होकर चलनी चाहिए तभी हमारी बॉडी में बैलेंस रहता है। अब जैसे एसिडिक फूड ले रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा कफ प्रकृति वाली चीज़ मिला ली तो वो बैलेंस कर देती है उसको। और दूसरा, आपकी क्रेविंग्स को शांत करेंगी, ये तीनों चीज़ें आपकी एपेटाइट को रिड्यूस करती हैं, ये तीनों चीज़ें एक साथ अगर आप लेते हैं। अब क्रश किया हुआ 1 चम्मच में आपने डाल लिया, ताज़ा पानी लेना है, फ्रिज का पानी नहीं लेना है, और इसको पहले मुंह में डालेंगे, और हो सके तो चबाना चाहते हैं चबा लीजिए, नहीं तो मिर्चें लगेंगी, निगल भी सकते हैं, ऐसे ही निगल लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए, जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं, गोली खाते हैं, इस तरीके से आप इसको निगल लीजिए, और उसके बाद 1/2 घंटे बाद जो भी आप ब्रेकफास्ट खाते हैं वो खाइए। और मैं ये कहूँगी एसिडिक चीज़ें ज़्यादा ना लें, तुरंत चाय कॉफ़ी ना लें, मतलब हेल्दी सा अपना ब्रेकफास्ट खाइए, चाहे फ्रूट्स हो सकते हैं, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, हेल्दी होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लेते हैं तो आपको डबल फायदा होगा, चाहे वो वेट लॉस आपको करना हो, चाहे आपकी और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। सारी हेल्थ प्रॉब्लम में ये फायदा देता है अगर आप इस तरीके से खाते हैं। लेना कितने दिन है, आप इसको 1 से 1.5 महीने ले सकते हैं। अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, थोड़े दिन के लिए आप बंद कर दीजिए, 1 से 2 महीने के लिए। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करा ले, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है वो अपना थोड़े टेस्ट करवा ले, उनको लग रहा है कि ठीक आ रहे हैं तो बंद कर दे
और थोड़े दिन बाद लेना शुरू करें। और वेट लॉस वालों के लिए भी ऐसा ही है, एक महीना आप कंटिन्यू रखें, 1 से 2 महीना फिर बंद कर दें, फिर दोबारा से लेना शुरू करें। क्योंकि अगर आप ऐसे ही नॉर्मल लेते चले जाते हो तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, उसके जो फायदे मिलने चाहिए वो आपको दिखते नहीं है, असर नहीं होता है। तो वेट लॉस वालों के लिए तो यही है कि अगर मैक्सिमम वेट लॉस चाहते हैं ना, तो कोई भी चीज़ फॉलो करें उसको बंद कर करके करिए, बीच में गैप दे दे के करिए, तो डबल फायदा आपको मिलता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।